मास मीडिया, समालोचनात्मक चिंतन और मनोरंजन। किसी देश में लोकतंत्र वहाँ होने वाले सार्वजनिक बहस व चर्चा पर निर्भर है। किस हद तक वहाँ के लोग विमर्शों व चर्चाओं में भाग लेते हैं और उनके बारे में विचार करते हैं, उससे वहाँ के लोकतंत्र का स्वास्थ्य निर्धारित होता है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि वर्तमान युग में मास मीडिया सार्वजनिक चर्चाओं को केंद्रीकृत करता है और विमर्श की जगह मनोरंजन पर जोर देता है। पहले छोटे समूह में चर्चाएं होती थीं और उनमें लोगों की भागीदारी अधिक थी और विचारों की विविधता भी अधिक थी, लेकिन मास मीडिया द्वारा संचालित बहस बहुत कम लोगों में होता है और लाखों लोग उसे देखते हैं जिन्हें बोलने व अपने विचार रखने के मौके नहीं हैं। अतः लोग सोचने की जगह कार्यक्रमों से मनोरंजन की ही अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार टीवी चैनल का यह प्रभाव होता है कि लोग एक विशेष तरीके से सोचने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे कि चैनल के मालिक चाहते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का दावा था कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन विनाशकारी जैविक अस्त्र तैयार कर रहे हैं और अगर उन्हें जबरन न रोका जाए तो पूरे विश्व को खतरा है। इस बात को, जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था, उसे अमेरिकी मीडिया द्वारा खूब प्रचारित किया गया। जब इस प्रचार के आधार पर अमेरिका ने इराक पर 2003 में हमला किया और सद्दाम हुसैन की हत्या की, तो मीडिया ने इस युद्ध में विशेष भागीदारी निभाई। युद्ध की हर घटना और हर पहलू का सीधा प्रसारण हुआ। यहाँ तक कि कहा गया कि अमेरिका और इराकी राष्ट्रपतियों ने युद्ध की ताज़ा स्थिति पता करने के लिए टीवी चैनलों का उपयोग किया। यही नहीं, इस युद्ध में जो नए हथियारों का उपयोग किया गया उनका पूरे विश्व में प्रदर्शन किया गया और उनका विज्ञापन हुआ, जिससे अमेरिकी शस्त्र कंपनियों को बहुत फायदा हुआ। अंत में हकीकत तो यही था कि इराक में लाख खोजने पर भी अमेरिका सेना को कोई विनाशकारी जैविक शस्त्रों के भंडार नहीं मिले। इस युद्ध में कम से कम 150,000 से 6,00,000 लोग तक मारे गए और पूरा देश अस्त व्यस्त हुआ, लेकिन इस घोर विनाशकारी युद्ध को मनोरंजन और विज्ञापन का साधन बनाकर मीडिया कंपनी और शस्त्र कंपनियां मालामाल हो गईं।